Hello everyone, I'm your friend, your host Madhul Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. Dear friends, thank you so much for your love, your support, आपके प्यार के लिए, आपकी blessings के लिए, हमारी family और बड़ी हो रही है उस सब चीज़ के लिए. और ये जो channel है ये आप सब के लिए बनाया मैंने, और ये आप सबका अपना channel है, ताकि हम इस चैनल के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें. ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट दो वीडियोस में बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट्स रहें आपके पास में, तो आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं. अगेन उसका नाम यही है, डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर. डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ बग, कैसा होता है और उसके क्या फीचर्स हैं, हम उसके बारे में बताएंगे. मेरे पास में ये दो बच्चे हैं, इनफैक्ट एक तीसरा और है मेरे पास में नीचे खेल रहा है. ये पग है अराउंड 40-42 डेज का, ये बीगल है अराउंड 2 मंथ्स का, और एक गोल्डन रिट्रीवर है मेरे पास में फीमेल, यहाँ पे शी इज़ अराउंड 35-38 डेज ओल्ड. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, वट एवर यू आर गिविंग अस. आपने बहुत सारा प्यार दिया है, हमारी जो फैमिली है नाउ टुडे, अगर मैं बात करूँ इस वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे, इट इज़ मोर देन 1,47,000 सब्सक्राइबर्स. और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं, फैमिली डे बाई डे बढ़ रही है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज हमारे कुछ वीडियोज़ हैं जिनके 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन प्लस भी व्यूज़ हैं. आप सबका सपोर्ट है, आप सबका प्यार है, उसके लिए थैंक यू. आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज. आज हम बात करने जा रहे हैं पग ब्रीड के बारे में, और ये भाई साहब जो है बहुत ही मस्त हैं. ये इसकी शराफत पे मत जाओ जो इस समय ये स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आगे मैं दिखाऊंगा कि हाउ नॉटी ही इज़, हाउ एक्टिव ही इज़. आज ये बेबी मेरी ब्रीडिंग का है और ये नए घर जा रहा है. आज आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ, जब आप पग लेने लगें तो आपको क्या देखना चाहिए. पग का नोज फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं, दिस इज नोज फोल्ड. नाक जो है अंदर बिल्कुल घुसा हुआ है, फ्लैट बिल्कुल. आप देखिए जो आईज है वो बहुत सुंदर है, माथे पे हल्के हल्के रिंकल्स आना शुरू हुए हैं, ईयर पोजीशन बहुत अच्छी है. अदर देन दैट, जब हम बेबी को पकड़ें तो उसकी पीठ पे रिंकल्स आने चाहिए, जैसे ये रिंकल्स आ रहे हैं, ये रिंकल्स आ रहे हैं. ये टाइम के साथ में जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, ये रिंकल्स जो है ये बढ़ते जाएंगे. जो टेल सेट है ये बिल्कुल ऐसे टॉप पे रहेगा, और इसको अभी मैं नीचे छोड़ूंगा, वीडियो में आप देखेंगे इसका टेल सेट कितना अच्छा है. ये थोड़ा सा घबरा रहा है बिकॉज हमने हाइट पे बिठाया अभी, इसलिए आज हम टोटली पग के बारे में बताएंगे, और पग कैसा होता है आपके फैमिली में, आपको रखना चाहिए या नहीं, बच्चों के साथ कैसा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. इसके अलावा एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, जो पग जब सांस लेता है तो इसकी साउंड आती है, थोड़ा सा साउंड आता है, जनरली जो नॉर्मल डॉग है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आता है. उसके अलावा जब ये सोते हैं तो दे यूज टू स्नोर, खर्राटे भी मारते हैं. अभी आगे वीडियो में मैं सारा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ. थैंक यू. डियर फ्रेंड्स, जो पग हैं ये बहुत ही प्यारी और ऑसम ब्रीड होती है, छोटा सा साइज होता है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और ये फैमिली डॉग है एग्जैक्टली. अगर आप छोटे बच्चों के लिए डॉग लेना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा डॉग लेना चाहते हैं जो अग्रेसिव ना हो, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, फैमिली में बैठना पसंद करे, आपके साथ में कार में ड्राइव करना पसंद करे, तो आपके लिए पग डॉग जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ब्रीड. थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, इस ब्रीड को, बिकॉज इनके रिंकल्स रहते हैं. इस बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं टेल सेट कितना अच्छा है इसका, बहुत अच्छे से एक जो पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए टेल की वो है, ईयर पोजीशन बहुत अच्छी है, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव. और उसके साथ में बीगल है. अगेन ये मैंने इन तीन बच्चों के साथ में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसको आप नेचुरली देख सकें कि पग एक्चुअल में कैसा बिहेव करते हैं, छोटे बच्चे को आप कितना इंजॉय कर सकते हैं और छोटे बच्चे किस तरह से इंजॉय करते हैं. ये बहुत ही फन लविंग रहते हैं, बच्चों के साथ में अच्छे हैं जैसे मैंने आपको बताया, बड़ों के साथ भी अच्छे हैं. आप देख रहे हैं कि वो बीगल के साथ में खूब मस्ती कर रहा है, बिकॉज वो ऑलमोस्ट एक जैसी एज के हैं, थोड़ा सा फ़र्क है 15-20 दिन का. और इसकी अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस की, इसको कोट मेंटेन करना ज़रूरी है, और उसके अलावा इसके रिंकल्स को मेंटेन करना ज़रूरी है. रिंकल्स और ईयर्स को मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है. अगर आप कोई ऐसा डॉग एक्सपेक्ट करते हैं जो प्लेफुल हो, एक्टिव हो और एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, तो आप पग के लिए सोच सकते हैं. लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो पग है इनको हमने मोटा नहीं होने देना, ज़्यादा हेल्दी बल्कि से नहीं होने देना. डॉग ऑफ कोर्स हेल्दी होना चाहिए,
लेकिन उसको बल्कि नहीं होने देना आपने। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करा देते हैं। ओवर ईटिंग करने से डॉग्स जो लथार्जिक हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये जो पग्स हैं ये सेंसिटिव ब्रीड है और मस्ती करना पसंद है इनको। अब आप बीगल को देख रहे हैं अब इस समय स्क्रीन पे, जो बीगल है ये भी बहुत मज़ेदार ब्रीड है। पग अगेन आ गया पंगे करने के लिए। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़े से चूज़ी रहते हैं खाने के मामले में। जैसी भी हैबिट हम शुरू से बना लें, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा डॉग है जो लोग ज़्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं देना चाहते हैं। फ्लैट्स में अगर आप रखना चाहते हैं तो भी पग्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपका बड़ा घर है तो भी आप रख सकते हैं पग को। बेसिकली ये छोटी ब्रीड्स में आता है। अगर आप पग या बीगल जैसी ब्रीड लेना चाहते हैं तो मेक श्योर ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ब्रीड जो है ये ड्राइंग रूम वाली ब्रीड है। ये आपके साथ में गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं, आपके बच्चों के बीच में बैठना पसंद करते हैं। आप जो गॉसिप कर रहे हैं वो इनको उसका पार्ट होना ज़रूरी फील होता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप पग लेना चाहते हैं। और कैसे भी वेदर कंडीशंस में रख सकते हैं। ऑफकोर्स सर्दी में थोड़ी सी ठंड लगती है इनको, अदरवाइज ये चाइनीज़ ब्रीड है। आजकल लोग बोल रहे हैं चाइना को अवॉइड करो, चाइना को अवॉइड करो अलग चीज़ें, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर। डियर फ्रेंड्स, मेरा जो आज ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि अलग अलग ब्रीड्स हैं मेरे पास में, आज मस्ती कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बीगल ऑलरेडी अपने नए घर जा चुका है, वो मेरे पास में नील कटिंग के लिए आए हैं। जो गोल्डन रिट्रीवर है अगेन शी इज़ वेटिंग फॉर हर न्यू ऑनर टू कम टू टेक हर। और ये जो पग भाई साहब हैं ये भी आज अपने नए घर जा रहे हैं। तो मुझे था एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ आपके साथ में शेयर करूँ, बिकॉज पग के नाम पे लोग बहुत कुछ बेच देते हैं। पग की क्वालिटी, पग के फीचर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं और ये अपने साइज़ के साथ में खेलना पसंद करते हैं। आप अगर पग डॉग रखना चाहते हैं, इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप छोटी ब्रीड या बड़ी ब्रीड किसी के साथ भी इसको रख सकते हैं, बच्चों के साथ भी रख सकते हैं, बड़ों के साथ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका रखने का। अगर घर में एल्डर लोग हैं उनके साथ भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए, थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ी सी वॉक चाहिए, बाकी मस्ती टाइम फैमिली में ही सफिशेंट हो जाता है। आई होप ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, सो दैट अवेयरनेस जो है वो लोगों में आए कि ब्रीड स्टैंडर्ड हमें देख के लेना है। जब भी डॉग आप लें मेक श्योर वो एक्टिव हो, शुड बी अराउंड 40 डेज, नए घर जाने के लिए रेडी हो, पपी डीपी वैक्सीनेशन हो रखा हो। अभी जैसे इस बच्चे को हम देंगे तो इसके हम नेल कट करके देंगे। मेंटेन करना कैसे है वो सारा चीज़ समझाएंगे जो नए ऑनर है उन्हें, डाइट वगैरह का सब चीज़। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो था पग के लिए। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए। कोशिश कीजिए व्हाट्सअप ना करने का, बिकॉज आजकल वी आर वर्किंग विद लेस देन 40% ऑफ आर स्टाफ मेंबर्स। सो दिन में 15-20,000 मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, सबको पढ़ना, सबको आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आप बात करना चाहें मुझसे पर्सनली, दोपहर को 12 बजे से 12:30 बजे और शाम को 4 बजे से 4:30 बजे तक, और अदरवाइज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, साइन दिया करें, ब्लेसिंग्स।